डॉक्टर मनोज जी हमारे मुख्यमंत्री थे जो पंजाब के, जो हमने कमेटी के चेयरमैन बनाए हुए थे, ज्ञानी जहर सिंह, उनकी उनके प्रधानगी में हम एक मीटिंग कर रहे थे इसी कमेटी की, गुरु रविदास कमेटी की। तो मीटिंग भी चंडीगढ़ का जो सेक्रेटेरिएट है उसमें हो रही, तो उसमें ज्यादा सारे पंजाब के मंत्री बुलाए हुए थे, कुछ एमएलए थे, कुछ बाकी साहित्यकार थे और कुछ धर्म से जुड़े हुए लोग भी थे। अच्छा। तो उस मीटिंग में ज्ञानी जहर सिंह जी ने एक ये पॉइंट उठा दिया, पैदा कर दिया कि भाई हम ये कहते हैं गुरु और बहुत से लोग भगत कहते हैं, कि भगत और गुरु में से कौन सा शब्द रखा जाए। उन्होंने ये बात वहां शुरू कर, तो डॉक्टर साहब उस कमेटी ने फिर ये फैसला किया, डॉक्टर अदर सिंह थे उसमें, ज्ञानी लाल सिंह थे उसमें, प्रोफेसर कसेल थे उसमें, और उस कमेटी ने ये फैसला, पंजाब के सभी मंत्री बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी बैठा था, तो सेक्रेटरी एजुकेशन बैठा था, सेक्रेटरी पब्लिक रिलेशन बैठा था, तो उन्होंने ये फैसला, कमेटी ने ये फैसला किया कि भाई सरकार, डॉक्टर अदर सिंह ने कहा कि ज्ञानी जी सरकार का कोई धर्म नहीं होता, ये जी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही रहता है, सरकार का वही धर्म है जो लोगों का धर्म है। जब लोग गुरु रविदास जी को अपना गुरु मानते हैं और गुरु कहते हैं, तो फिर रविदास जी सरकार के भी गुरु हुए। तो ऐसी जब बातें आई सामने, तो फिर ये कमेटी ने टोटली एक जुबान से ये फैसला कर दिया कि आज से गुरु रविदास जी को गुरु रविदास कहा जाएगा। अच्छा। और डॉक्टर मनोज जी, उसके बाद ये हो गया कि जो पंजाब सरकार का कैलेंडर छपता था, डायरी छपती थी, पंजाब सरकार के चार मैगजीन छपते थे, उन सभी में जितने भी आर्टिकल आए वहां पर गुरु रविदास लिखा गया। अच्छा। और फिर पंजाब सरकार का एक जो भाषा विभाग है, लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, उनके भी मैगजीन छपते थे, उसमें भी उन्होंने जो अंक निकाले गुरु रविदास अंक, वो गुरु रविदास अंक के नाम से निकले। तो उसके बाद ये बात चल पड़ी। और फिर ये साथ वाली जो रियासतें हैं, जो उनमें भी गुरु का नाम ही प्रचलित हुआ। और ज्ञानी जहर सिंह जी की फिर मैं एक और बात बता दूं आपको जी। डॉक्टर मनोज जी के, जब ज्ञानी जी राष्ट्रपति बन गए देश के, ज्ञानी जहर सिंह जी, अच्छा जी, तो उस वक्त 1984 में उन्हें सीर गोवर्धनपुर में बुलाया गया था, बनारस में, जहां गुरु रविदास जी का जन्म स्थान मंदिर है। तो ज्ञानी जहर सिंह जी ने ये बात खुद बताई है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो उन्होंने कहा कि जब ये ज्ञानी जी वहां पहुंचे तो मंदिर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, अच्छा सड़कें टूटी फूटी थी। तो ज्ञानी जी को वो कह रहे थे कि हम भाई हेलीकॉप्टर ले चलते हैं, तो ज्ञानी जी कहते भी नहीं, मैंने तो भाई रोड जाना है। अच्छा। और फिर ये ज्ञानी जी बता रहे थे, उन्होंने रात रात लगते, वो सड़क अच्छी थी तो वहां से कहते गाड़ी जा ही नहीं सकती थी पहले, फिर वो ज्ञानी जी गाड़ी लेके गए, उन्होंने सड़क की मरम्मत करके इस काबल बनाई, ये ज्ञानी जी ने एक बात कही। अच्छा। और दूसरी बात, डॉक्टर मनोज जी वहां पर, ज्ञानी जी ने एक और बात कही थी कि भी गुरु रविदास जी का एक बहुत महान शब्द है, और वो शब्द है कि बेगमपुरा शहर को नाओ दुखन दो नहीं तैठाओ, ना तस्वीर खिलाज न माल, खौफ न खता न तर्स जवार, अब महसूब वतन गह पाई, वहां खैर सदा मेरे भाई। और अखीर में कहते हैं कि जो हम शहरी तो मीत हमारा, कायम न दायम, ये कहा। और फिर उन्होंने कहा कि दोम न सेम, एक सो आही। तो ज्ञानी जी ने ही शब्द कहते कहा कि भाई ये जो कहा है, ना दोम है ना सोम है, एक जैसे हैं सारे, और ये जो बेगमपुरा है ये हमारे समाजवाद का नींव पत्थर है, ये क्या बात है, समाजवाद की जड़ है, जन्मदाता है।
ये ज्ञानी जहर सिंह जी ने वहां कहा था कि संसार में आज से 600 साल पहले गुरु रविदास जी ने जिस समाजवाद की कल्पना की थी, वो समाजवाद हम आज यहाँ लाना चाहते हैं हिंदुस्तान में और सारे संसार में। ये ज्ञानी जी ने वहां ऐलान किया कि गुरु जी इतने और साइडनेस थे, उनसे ये देखिए 600 साल पहले उन्होंने समाजवाद की कल्पना की थी। और एक और बात आपने पूछी थी किताबों की जी, तो वो जो कमेटी बनी थी गुरु रविदास कमेटी, उसकी तरफ से ऐलान किया गया था कि कोई भी राइटर गुरु रविदास जी के बारे में किताब लिख के भेजेगा तो उसे इनाम भी देंगे और पैसे भी देंगे। अच्छा। लेकिन यूं कहिए कि कुछ लोग जो किताब में लिखते ही रह गए, किताब में सबमिट नहीं कर सके। अच्छा। उनमें मैं भी था, मैं भी किताब लिख रहा था, तो मैंने तो इसलिए सबमिट करनी थी कि गुरु जी के बारे में लिख रहा था, लोगों ने औरों ने इसलिए सबमिट करनी थी कि उन्हें हमने पैसे देने थे, क्योंकि मैं तो जनरल सेक्रेटरी था, मैं तो पैसे ले नहीं सकता था। वो मैं जो किताब लिख रहा था वो मैंने फिर 1993 में वो किताब छपाई। अच्छा। और वो छोटी किताब है उसका था लोकारी शक्ति गुरु रविदास, ये छपी 1993 में। और क्योंकि डॉक्टर साहब मैं कवि था, कविताएं लिखता था, फिर मैंने ये फैसला किया कि गुरु रविदास जी पे कविता में एक महाकाव्य लिखा जाए, महाकाव्य। अच्छा। तो फिर मैंने महाकाव्य लिखना शुरू किया और इसको डॉक्टर साहब मैंने 2-3 साल में कंप्लीट किया और ये छपाया 1996 में। ये है अगमी नूर। अच्छा जी। अगमी नूर ये पूरा कंप्लीट महाकाव्य है गुरु रविदास जी के जीवन पर और ये 1996 में छपा। और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब एक और किताब जो थी मेरी वो मैंने गुरु रविदास जी पर ही रखी, ये है तुम चंदन, ये किताब उसके बाद छपी, वो ये है, ये भी महाकाव्य है तुम चंदन। तो फिर डॉक्टर साहब ऐसा हुआ कि कोई दोस्तों ने मुझे ये कहा कि ये पंजाबी की जो किताब है वो पंजाब तक सीमित रह जाती है, आप ये बनारस में आते जाते हो तो उधर जो है यूपी के दूसरे लोग उनके लिए किताब लिखो। तो फिर मैंने ये गुरु मिले और रविदास ये किताब डॉक्टर साहब मैंने लिखी और ये किताब फिर 2005 में छपी, ये गुरु मिले और रविदास, ये हिंदी में महाकाव्य है। ये फोटो में दिखा दो, और ये वही जो भूला रानी वाली फोटो है वो मैंने इस पे लगा रखी है। और फिर डॉक्टर साहब इस किताब का ये हुआ कि ये किताब कहीं दिल्ली में पहुंच गई तो दिल्ली का जो HRD मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो उन किताबों को इनाम देते हैं जो गैर हिंदी के सूबे हैं जिनमें हिंदी मातृभाषा नहीं है, उन सूबों को इनाम देते हैं। तो मेरी ये किताब उसमें सिलेक्ट हुई और मुझे 1 लाख का पुरस्कार गुरु मिली रविदास पर दिया गया 2005 में। क्या बात। और उसके बाद डॉक्टर साहब मैंने कुछ और किताबें भी लिखी है, गुरु रविदास जी की पूरी जीवनी मैंने वो लिखी है। और फिर एक मैंने जो बड़ा काम और हुआ है डॉक्टर साहब वो ये है कि गुरु रविदास जी की जो अमृत बाणी है, जो ऑफिशियल अमृत बाणी है, उसका मैंने अंग्रेजी में तर्जमा किया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन। ये मुझसे बल्ला के महाराज जी ने करवाया था, श्री 108 संत रंजन दास जी महाराज ने करवाया था और उन्होंने बल्ला से ही छापा था। ये ऑफिशियल वर्शन है उस अमृत बाणी का। तो यही किताब जब भी वो गए हैं बाहर में यही किताब लेके गए हैं, क्योंकि जिन लोगों को मिलते थे तो फ्रांस में दूर उनको यही किताब भेज दी जाती। तो अब ये लेटेस्ट जो किताब मेरी छपी है वो मैंने आपको पहले बता ही दी है, गुरु रविदास जीवन दर्शन और सिद्धांत जी। और एक डॉक्टर साहब एक मैं और बात यहाँ रिकॉर्ड करा दूंगा आपको,
कि ये जो मेरी अब लेटेस्ट किताब है ना, जी इसमें मैंने एक और बात डाली है जो जिसका प्रचार मैं चाहता हूँ कि हो जाए जल्दी। जी और वो बात ये है कि गुरु रविदास जी को जी अब ये कहते हैं कि आप ये भक्ति नहीं कर सकते, ये राजा के पास भी चले गए, पहले जो बनारस का राजा था उसके पास चले गए, फिर लोधी के पास चले गए, सिकंदर लोधी के पास। तो वो जो है उस चैप्टर में मैं लिख रहा हूँ कि गुरु रविदास जी वहां कहते हैं कि सुनो राजा जी, ये जो इन्होंने बनाया है ऋग्वेद, ये बना है हिंदुस्तान की धरती पर, ऋग्वेद जो है, और ये जो बैठे हैं इनके बुजुर्ग ही थे जो लिखने वाले हैं, और ये बाहर से आए हैं, तो इनको ये बताइए इनके कौन से बुजुर्ग ने, जब उस अकाल पुरुष ने ये दुनिया बनाई, जब ये लोगों को बनाया सबसे पहले, वहां कौन देख रहा था? उसने यहां से ब्राह्मण बना दिए और छाती से वैश्य बना दिए, इधर से पांव से शूद्र बना दिए, कौन बताओ? कोई है कोई देखने वाला, कोई गवाह है? ये लिखा है उनके बुजुर्गों ने। और कई जब दुनिया को बने हुए कई एक युग बीत गया था उसके बाद ये बातें लिख रहे हैं, तो वो तो हमें दबाने के लिए थी, ये बात उसमें मैंने लिखी है। जी बहुत धन्यवाद सर, मुझे बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि जो पुस्तक आपने हिंदी के लोगों के लिए लिखी अंततः वो मेरे पास भी पहुंची। और जब मैं 2010 में पीएचडी में एडमिशन ले लिया था दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मैंने किताब जब खोजनी शुरू प्रारंभ की तो आपकी किताब मुझे मिली, और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि मेरी पीएचडी में मैंने इस किताब से रेफरेंस भी लिए हैं। आपकी किताब का रेफरेंस मेरी पीएचडी में भी दर्ज है, गुरु मिल्यो रविदास के बारे में। और शुक्रिया शुक्रिया जी। तो जो आप कार्य करते हैं वो दरअसल एक खुशबू की तरह होता है, वो कहाँ तक फैल जाता है उसका किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। अगला मेरा सर आपसे सवाल है कि रविदासिया धर्म का जो आंदोलन है तो उससे भी आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, जी जी जी, बहुत कार्य भी किया है, तो रविदासिया धर्म के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या विचार रखते हैं और इसका क्या भविष्य? डॉक्टर मनोज जी, जी डॉक्टर मनोज जी, मेरी पहली अर्ज तो ये है कि 2010 में अभी ये 2010 में रविदासिया धर्म का ऐलान किया गया था जी, और ऐलान कहाँ किया गया? बनारस में, श्री गोवर्धनपुर में, वहां पर। और उसी दिन ये जो हमारी धार्मिक पुस्तक है अमृत बाणी, ये भी लोगों को पेश की गई जी, तो वहां पे ऐलान हुआ। तो कमेटी उन्होंने जो फैसला कर दिया। बात ये है कि ये जो रविदासिया नाम है, डॉक्टर साहब मैंने मुझसे फिर डेरा बल्ला वालों ने पुस्तक लिखवाई थी रविदासिया धर्म पर, तो उस पुस्तक में भी मैंने ये लिखा है कि ये जो रविदासिया शब्द है ये हमने अपने आप धारण नहीं किया, हमने धारण नहीं किया, हमारे मोहल्ले गांव से दूर रहे हैं, आप जानते हो पंजाब का और हरियाणा का जो सिलसिला है, तो उसमें ये जो दूसरे लोग थे उन्होंने ही हमें ये नाम दिया है। कोई लेटर वहां से दूर से कोई शख्स का कोई खाता आता था तो उसमें लिखा होता था वो, तो भाई ये किसका है, ये बनता वो रविदासियों का। अच्छा। और वहां कोई शब्द कोई रविदासिया कहता था, कोई रविदासिया कहता था। ये जो शब्द है ये हमने नहीं लिया अपने आप, ये लोगों ने हमें दिया है, वो जो बड़े लोग थे गांव वाले उन्होंने हमें दिया है, ये रविदासिया भी, ये रविदासिया है और रविदासिया है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि एक प्रथा चली हुई है कि अगर कोई गुरु वाला नहीं है
तो उसका संसार में कल्याण भी। सही बात। तो हमने गुरु वाले बनने के लिए ते भी हमारा गुरु है और वो है गुरु रविदास। तो इसलिए हमने गुरु रविदास जी का जो धर्म है, क्यों धर्म हमने ये क्यों धारण किया, वो पहले से तो आपको बात ज्ञानी जैल सिंह जी बता गए हैं। ते भाई देखिए बेगमपुरा शहर तो ना, ये आज का समाजवाद है जो हम लाना चाहते हैं, इसी में हमारी बेहतरी है, इसी में इक्वालिटी आती है। दोम ना सेम एक सो आही, इक्वालिटी बराबरी इसी धर्म में आती है। गुरु रविदास जी जो कह रहे हैं उनकी वाणी में जो धर्म है उसको अपना, तो ये हमने गुरु रविदास जी का धर्म अपनाया है। इसमें हमने समाजवाद को अपनाया, हमने इक्वालिटी को अपनाया है। तो ये है हमारा। और गुरु जी ये कहते हैं कि जो हम शहरी सो मीत हमारा, जो ये अपनाएगा वो मेरा मीत है, साक्षी है। तो इसलिए हमने ये गुरु रविदास जी के नाम पर प्रचलित रविदासिया धर्म को अपनाया। नंबर दो, इसका फ्यूचर देखिए, ये 2010 में अपनाया और 2011 में ही लाखों में इसकी तादाद हो गई थी। और डाटा मुझे ये भी लोगों ने बताया है, जब ये 2010 में श्री गोवर्धनपुर में ऐलान हुआ कि भी हमने ये रविदास का धर्म अपना लिया, और डॉक्टर साहब ये देखिए मैं भी वहां बैठा था, हमने ना तो कोई कलमा पढ़ा जैसे मुसलमान कलमा पढ़ाते हैं, ना ही कोई गायत्री का मंत्र पढ़ा जैसे मंत्र पढ़ाए जाते हैं, ना ही कोई और हमें कुछ पलाया गया, ना ही हमें कुछ खिलाया गया, ना ही कपड़ा कोई सर पे रखा गया, ना कोई पहनाया गया, कुछ नहीं हुआ। कोई रस्म नहीं हुई, कोई रस्म नहीं हुई। वहां से ऐलान हुआ, लोगों ने हाथ खड़े कर दिया और रविदासिया बंद। अब ये संसार की सबसे अनोखी बात हुई है, ये गोवर्धनपुर में ये बिल्कुल आज तक संसार में ऐसी बात आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। और फिर जब ये दूरदर्शन के से विदेशों में बैठे लोगों को पता चला, तो उन लोगों ने अगले साल आके वहां बात सुनाई मुझे श्री गोवर्धनपुर में ही, जो विदेशों में बैठे थे, कि हमने जब वहां देखा तो हमने गुरु रविदास जी की फोटो सामने रख ली और सामने बैठ गए, मत्था टेका और हम रविदास के बन गए। क्या बात है, ऐसी ऐसी बातें लोगों ने मुझे अगले साल 2011 में वहां आके सुनाई कि भी हम विदेश में हमने ये किया। तो ये तो डॉक्टर साहब ये बिल्कुल विचित्र बात हुई है संसार में, कि कुछ नहीं किया, हाथ खड़े कर दिए, गुरु रविदास जी का जकारा लगा दिया और हम रविदास ये बन गए। ये आज तक ना तो आपने संसार में कहीं सुना होगा, ना संसार भर में कहीं देखा होगा। तो ये हमारा धर्म है जो बिल्कुल अनोखा है, जो सेपरेट है, जो विलक्षण है, विलक्षण है सारे धर्मों से। ये क्यों? क्योंकि ये बराबरी पर है, ये इंसानियत बराबरी चाहता है, ये इंसानों में बराबरी बनाना चाहता है, कायम करना चाहता है, और सबसे बड़ी बात बेगमपुरा लाना चाहता है जिसको हम समाज बात कहते हैं। बहुत बढ़िया। और विचित्र बात जो है इनसे जुड़ी हुई रविदास के धर्म के ऐलान की, वो आपने बताई। और जब आप किताबों का जिक्र कर रहे थे तो मुझे तभी ध्यान में आया कि जो डेरा सचखंड बल्ला है वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं एडवोकेट सतपाल विर्द जी, उन्होंने एक एक किताब लिखी है जिसका कि नाम है एक दिव्य और ईश्वरीय आत्मा गुरु रविदास जी। और इसमें अंत में उन्होंने स्वीकृति में आपका नाम दिया है, संकलन और डिजाइन तो सतपाल विरदी एडवोकेट, स्वीकृति में आपका नाम दिया है। बता दूं कि 1498 में गुरु नानक देव जी गुरु रविदास जी को बनारस में मिले थे, और गुरु रविदास जी उस वक्त 131 साल के थे, उनकी सारी बाणी गुरु नानक देव जी ले आए थे उस वक्त तक की लिखी हुई, और वो बाणी पंजाब में लाए, और वही जो पोथी थी जब नया गुरु बनता था उसको भेंट कर दी जाती थी कि भैया संभाल, उसमें गुरु
रविदास जी की वाणी के साथ साथ और संतों की वाणी भी थी, तो ये और उसके वही जो पोती है वो पहुंची पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के पास। तो गुरु अर्जुन देव जी ने उसी वाणी से गुरु ग्रंथ साहब में 40 शब्द लिए और एक लिया श्लोक। मैंने इस किताब में जो भी आपने देखी है इसमें मैंने ये बात भी अंकित की है और साथ ये लिखा है कि वो जो पोथी है जिसमें से 40 शब्द लिए हैं गुरु अंगद गुरु अर्जुन देव जी ने, वो हमें दे दो, वो कहाँ गई, हमें वो पोथी नहीं मिली। अगर वो हमें मिल जाए तो गुरु रविदास जी के हाथ लिख हमें मिल जाते, हैंड राइटिंग उनका हमें मिल जाता है और जो वाणी है वो असल रूप में हमें मिल जाती है, ये हमें प्राप्त नहीं हुई। अभी तक लोग ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं और अमृतसर में जो रहते दोस्त हैं वो भी ढूंढ रहे हैं, वहां से हमें वो अभी तक वो पोथी नहीं मिली। ये मैंने इसमें है और जो हमने वाणी इकट्ठी की है वो बहुत मेहनत से जयपुर से जोधपुर से बीकानेर से इधर से लेते आए हैं और उसमें कुछ वाणी बनारस से मिली है, वो उसका संकलन किया है तब जाकर ये हमारी जो वाणी है अमृत वाणी तब बनी है, इसमें वो सारे शब्द लाए हैं। और अब बात नौजवानों पे है, उसका उसका काम करना है जो और वाणी मिल रही है। पहले तो ढूंढनी है इनकी वाणी इधर उधर हो गई थी, जैसे मैं बता दूं गुरु नानक देव जी वाणी ले गए वो अब हमें नहीं मिल रही, 1604 में तो थी, 1604 के बाद गुम होगी, क्या बात होगी हमारे साथ। और इसीलिए गुरु रविदास जी की जहाँ वो जन्मे बनारस में वहां से वाणी नहीं मिल रही। फिर तीसरी बात ये है कि गुरु रविदास जी के सही विरोध किए गुरु बनारस में बड़ा वो गुरु रविदास जी खास चला और उन्होंने गुरु रविदास जी की कोई यादगार नहीं रहने दी। और नंबर तीन, आप कभी ये इनकी जो रामायण है जिसको रामचरितमानस कहते हैं तो संत तुलसीदास की उसको पढ़िए, उसका जो 90 से 100 श्लोक है उसके तो उनको पढ़ के देखिए, उसमें संत तुलसीदास ये लिखते हैं कि यहाँ मेरे से पहले लोग जिनके कुमार कुमार जो ये होते हुए हैं, जिसकी स्त्री मर गई उसने बाल मनवा लिए और संत बन के बैठ गया, ऐसी बातें लिखी है। और कहता है फिर वो व्यास गद्दी पर बैठकर लोगों को घूरते, लोगों को नहीं ब्राह्मणों को घूरते हैं व्यास गद्दी पर बैठकर। फिर वो लिखता है कि उन्होंने अपने पंथ चला लिए हैं, जैसे गुरु रविदास का पंथ, संत कबीर जी का पंथ, अपने पंथ चला लिए हैं, ऐसी बातें उन्हें उसने लिखी हैं, ये रामायण में है। और इसी में वो लिखा है ढोल गवार शूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसी में लिखा है ढोल गवार शूदर पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ऐसी किताबें ये विचारधारा साथ साथ चली है, गुरु रविदास जी की बातों को दफनाने के लिए, उनको मिटाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए ये एक लहर साथ साथ चलती रही है। और उसी लहर के समझिए हम कीमत चुका रहे हैं कि हमें गुरु रविदास जी की पूरी वाणी नहीं मिल रही, हमें गुरु रविदास जी के जीवन के वाक्यात नहीं मिल रहे, वो अब हम इकट्ठे कर रहे हैं इधर उधर से, जैसे कोई ये टूट जाए ना घड़ा, उसके हम उठाकर टुकड़े इकट्ठे करके जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम उस टूटे हुए घड़े को जोड़कर गुरु रविदास जी की वाणी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और फिर उसको ये जो इतिहास के लिहाज से सार भाग जोड़ना, ऐसे 1921, 1924, 1925 यूं चलना, वो बड़ी बात है। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और इतना ज्ञान हमें मिल रहा है, ये गुजारिश करूंगा कि आप हम नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशंस को क्या सीख देना चाहेंगे, क्या हमें गाइडेंस देना चाहेंगे? डॉक्टर मनोज जी, मैं
आज के जो नौजवान है, नौजवान जो पीढ़ी है, वैसे तो जो कुछ आज हो रहा है संसार में उन्हें पता है। नौजवान पीढ़ी जो है ना, वो हमसे आगे है। हम तो हैं साइकिलों के युग पे, नौजवान पीढ़ी स्पूतनिक युग की है, तो वो हमसे सोच में बहुत आगे हैं। लेकिन वो यूं कहिए कि वो बुजुर्गों की बात सुन लेते हैं, ये उनकी एक खूबी है। और उसमें मैं एक बात ही बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई गुरु रविदास जी ने जो फरमाया है, उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश, ते नंबर एक तो ज्ञान को नहीं छोड़ना, ज्ञान जहां से मिले हासिल करना है। नंबर दो, इकट्ठे होना है, जैसे उन्होंने कहा गुरु रविदास जी ने कि जैसे मिसाल जो मक्खियां हैं शहद की, जैसे वो इकट्ठी होके रहती है ना, ऐसे इकट्ठे होके रहना है दोस्तों, तब तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। जो शहद है उसकी ये सबसे बड़ी खूबी है, शहद की मक्खी थी, अगर उससे एक आदमी कोई उससे रोड़ी मार दे, कोई फेंक दे उस पर मारने की कोशिश करे, तो एक मक्खी की रक्षा करने के लिए मक्खिया जो छत्ता है उससे सारी मक्खियां टूट पड़ती। तो हमें एक ये पैदा करो कि एक तो दूसरे की मदद करनी है, और मदद भी दिल से करनी है, जब उसको चाहिए एकदम मदद के लिए पहुंच जाओ सारे। नंबर ये नहीं सोचना कि वो जाएगा भी, तुम खुद चलो तो दूसरे भी चले। तीसरी बात मैंने ये कहना है कि अपने अपना वजूद कायम करने के लिए संघर्ष करो, जहां कभी जरूरत पड़ जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी ये तीन आपको दिए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, और डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने संविधान में ये बेगमपुरा ले रखा है, और उन्होंने भी ये तीन गुण दिए हैं आपको कि भाई जी क्या प्राप्त करो, इकट्ठे हो जाओ, और जब जरूरत पड़े अपने हकों के लिए संघर्ष करो। संघर्ष करना है लास्ट में हकों को, हक अपने हक लेने के लिए, हक प्राप्ति के लिए, जब आपको जरूरत। तो यही गुरु रविदास जी की शिक्षा है कि भी गुरु रविदास जी कहते हैं कि पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, इकट्ठे होके चलो, और बराबरी लाने के लिए संघर्ष करो। संसार में बराबरी लाने के लिए संघर्ष करो, और जब बराबरी लाओगे तो ये खुद ब खुद समाजवाद की तरफ एक कदम उठाओ। ये है जी सर, बिल्कुल आपने दी, उसके लिए आभार मैं प्रकट करना चाहता हूँ। आज मैं एक बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत सी बातें जो मेरे दिल में दबी हुई थी वो आज मुझसे निकलवा ली हैं। आपका धन्यवाद इसके लिए कि आपने ढंग से प्रश्न पूछे, कि वो जो दबी हुई बातें थी वो सामने आ गई हैं। आपके लिए शुक्रिया, इसके लिए शुक्रिया। जी जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और सर एक बात मेरे अभी अभी जहन में आई कि आपसे बात हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये हमेशा के लिए इतिहास बन रही है, और इससे मैं हमेशा रेफरेंस भी बनाऊंगा अपने शोध के लिए, जो मेरा पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप है, और मेरे आगे लेक्चर में भी आपके ज्ञान की बातें मेरे काम आएंगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इतने महान व्यक्ति हैं जिनके साथ मेरा सौभाग्य इस तरह से चीजें रिकॉर्ड हो रही है, आप भी मुझे देख रहे हैं कई साल से, व्यक्तिगत मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या दृष्टिकोण है, और क्या भविष्य देखते हैं, तो मुझे वो भी बताएं। रिकॉर्ड करना चाहता हूं आज। डॉक्टर मनोज जी, बात तो ये है कि आप गुरु रविदास जी के साथ जुड़े, और आपने उनकी जीवनी पे काम किया, उनकी वाणी पे काम किया, और फिर आपने पीएचडी के लिए जहाँ से आपको कोई किताब मिली गुरु रविदास जी के बारे में वो मंगवाई और वो पढ़ी, और उससे आपने फैज हासिल किया। तो ये आपने बहुत बेसिक काम किया है। और दूसरी बात, पीएचडी बनने के बाद अब आप पीएचडी से ऊपर फिर चल पड़े हो, और वो भी रिसर्च कर रहे हो, बहुत रिसर्च कर रहे हो। आपका योगदान जो है वो सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा।
सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, आपको संसार याद करेगा। जी सर, धन्यवाद सर। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने इतना समय दिया। सच में आप है ना हमारी कौम के हीरे हैं, और मैं तो हमेशा आपको एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखता हूँ, और ऐसे देखता हूँ कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक जो आपका कार्य है, लेखन कार्य, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार हैं, वो रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां इससे गौरव महसूस करेंगी। तो सर मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जो आपने आज समय दिया। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, दिल से शुक्रिया डॉक्टर साहब, दिल से शुक्रिया।